हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 2 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफी इजीली मिल जाएंगे। एंड ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए एंड वहां के हमें ज्वाइन कीजिए। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, इनका नाम बताओ क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड ए कॉमन डिजिटल करेंसी। एक कॉमन करेंसी लॉन्च की गई एबर, जिसका नाम है, तो बताओ यूएई एंड दूसरा कौन सा कंट्री है जिन्होंने ये कॉमन करेंसी एबर को लॉन्च किया। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स आपसे शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप मुझे बताओगे करंट अफेयर की वीडियो देखने के बाद। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 200 ODIs एज ऑन 1 फरवरी 2019। ठीक है, 200 ODIs खेलने वाली फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बन गई, आपको इनका नाम बताना। इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है। इनका नाम है जी हमारी इंडियन टीम की वुमेन ODI टीम की कैप्टन मिथाली राज। ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन्होंने अपने 200 वनडे इंटरनेशनल कंप्लीट किए 1 फरवरी 2019 को। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, द गवर्नमेंट अनाउंस दैट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स विद एनुअल इनकम अप टू RS हाउ मच लैक विल नॉट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। यानी कि देखो, अभी जो हाल ही में बजट पेश हुआ, इंटरिम बजट पेश किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो राइट नाउ हैं, अरुण जेटली, पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, तो अब इसके तहत क्या है कि अब इससे पहले क्या होता था कि अगर आपकी 2.5 लाख रुपये इनकम है, ठीक है, अगर आप 2.5 लाख से अबो कमाते हैं एनुअली, देन यू नीड टू पे 5% टैक्स। ठीक है, आप इसके ऊपर जितना आप एक्स्ट्रा अर्न करते हैं, देन उसका 5% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, अंडर इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करने के बाद। बट अब ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पर्सन्स जिनकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक अब इनकम होगी, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हो, उन पर्सन्स को कोई भी इनकम टैक्स पे करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको ये बताने कि कितने लाख तक अब आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की अंडर ही है, देन यू डोंट नीड टू पे एनी इनकम टैक्स। ठीक है, आपको कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड इससे पहले क्या था कि 2.5 लाख से अबो अगर आपकी इनकम होती थी, देन आपको उसका 5% पे करना पड़ता था। ओके, तो ये चीज याद रखो, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, How much money have been allocated for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, जिसके तहत 100 दिन का जॉब प्रोवाइड की जाती है, तो इसके लिए जो अभी बजट पास हुआ उसके लिए कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हुआ जी 60,000 करोड़ रुपये सेंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Who was appointed as the India's ambassador to the Maldives recently? इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए फॉर मालदीव्स, तो आपको बताना इनका क्या नाम है। इनका नाम है जी, पिक्चर भी आपके सामने, इनका नाम है जी संजय सुधीर। ओके, प्रेजेंटली सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। ठीक है, अब इनका नाम याद रखो, संजय सुधीर इनका नाम है। एंड बाकी जो ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, विक्रम मिश्री भी जरूर याद रखना, ये हैं चाइना के लिए। एंड हर्षवर्धन श्रृंगला अभी हाल ही में USA के लिए अपॉइंट हुए थे। एंड संजय वर्मा हैं स्पेन के, ये भी हाल ही में नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये चार आप जरूर याद रखो, ये तो चाइना के भी याद रखो, USA का भी याद रखो, स्पेन का भी याद रखो। एंड संजय सुधीर हो गए जी हमारे मालदीव्स के। एंड अबाउट मालदीव्स, कैपिटल माली एंड करेंसी है मालदीव्स रुफिया, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द गवर्नमेंट अनाउंस टू सेटअप एन आयोग फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉर्प्स। ठीक है, ये भी बजट में ये इसका अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये 1 फरवरी को जो ये लॉन्च ऑर्डर किया गया, ठीक है, बनाने का ये फैसला लिया गया, अब आपको बताना है कि इस आयोग का क्या नाम होगा। ठीक है, जो फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉर्प्स के लिए काम करेगी, इस आयोग का नाम आपको बताना है। तो इस आयोग का नाम होगा जी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान स्कीम, ठीक है, जो फार्मर्स गरीब हैं, ठीक है, वल्नरेबल फार्मर्स, ठीक है, जिनके पास ओनली 2 हेक्टर का लैंड है, ठीक है, अब उन्हें हर एनुअली कितने अमाउंट का डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये भी बजट में पास हुआ, सेंक्शन हुआ अभी हाल ही में। ठीक है, तो अब उन्हें मिलेगी जी साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स में
6,000 रुपये, ठीक है, जिनके जो गरीब फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, इनकी लैंड भी कम है, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट देगी 6,000 रुपये एनुअली। ओके, देखो अब बजट के रिलेटेड मैं आपके लिए संडे को ज़रूर एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें पास हुई, ठीक है, वो संडे का वेट कीजिए, मैं पूरी चीज़ें आपको इन डिटेल में सब चीज़ें बता दूंगा अबाउट द बजट ऑफ 2019 एंड 2020 फाइनेंशियल ईयर। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिज्यूमिंग सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली टू होली सिटी ऑफ नजाफ इन इराक फ्रॉम 14 February 2019। बेसिकली ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू सम एरर मैंने आपसे गो एयर बोल दिया था, बट इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एयर इंडिया, ठीक है, मैंने पिंड भी किया था बट स्टिल स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि द करेक्ट आंसर इज एयर इंडिया, तो इसीलिए ये क्वेश्चन फिर से लिया, इसका जो करेक्ट आंसर है जी एयर इंडिया, ठीक है, 25 साल बाद एयर इंडिया फिर से एयर सर्विसेज स्टार्ट कर रही है टू इराक, ठीक है, एंड इराक के बारे में कैपिटल बगदाद एंड वहां की करेंसी दिनार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ UPSC ऑन 29 January 2019, ठीक है, अब मेंबर अपॉइंट हुए न्यू, इनका नाम आपको बताना, इनकी पिक्चर भी आपके सामने लगी है, इनका नाम है जी राजीव न्यान चौबे, ठीक है, बेसिकली 10 मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के विद दिस इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, ठीक है, जो चेयरपर्सन है अरविंद सक्सेना, तो 10 मेंबर्स होते हैं, अब इनके आने के बाद पूरा जितनी पूरी वैकेंसीज थी सारी 10 मेंबर्स की फिल हो चुकी है, ठीक है, इनका नाम याद रखो जी, ये हैं जी, इनका नाम है राजीव न्यान चौबे, ठीक है, ये भी याद रखना कि 10 मेंबर्स होते हैं टोटल, एंड इन्हें ओथ किसने दिलाई, शपथ किसने दिलाई, यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे रिजल्ट्स विच कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट 4 decades हाई, यानी कि पिछले एक डिकेट 10 years का होता है, यानी कि पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की अराउंड 6.1% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, तो कौन सी कंट्री में बना बड़ा इतना, तो ये कोई नहीं हो सकता, हमारा अपना इंडिया ही हो सकता है ये, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आजकल पीक पे है हमारे इंडिया में, तो ये इंडिया ही है हमारा, ठीक है। देन हमारा 10th question है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियड टेबल ऑफ द केमिकल इवेंट्स 2019, ठीक है, 2019 को ऐसे डिक्लेयर किया, लॉन्च किया एज द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल इवेंट्स, तो किसने ये अनाउंसमेंट की, तो की क्यों, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द अमंग द केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर द सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, आपको पता ही है कि केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसी के लिए अवेयरनेस के लिए, केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है उसी के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, तो यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियड टेबल 2019, ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म जो आपको पता होनी चाहिए, इस यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जी पेरिस में। ओके, देन 11th question है, इंडिया हैज रिसीव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो बाहर से हमारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट होता है, ये बताने कि एक अमाउंट लास्ट फाइव ईयर्स में कितना हमने इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारी इंडिया में आया, ठीक है, तो ये है जी इसका जो अमाउंट आपको याद रख लो 239 बिलियन, ठीक है, जो मेन सोर्सेज थे जहाँ से आया हमारे, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे इंडिया में इतनी, देखो मेन सोर्सेज टेलीकॉम कंपनीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सर्विसेज में, एंड जो सबसे ज़्यादा टॉप पे रही जहाँ से हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे टॉप सोर्सेज है जी, सबसे टॉप है जी मॉरिशियस, ठीक है, देन उसके बाद सिंगापुर, देन उसके बाद नीदरलैंड। ओके, तो ये याद कर लो 239 बिलियन, एंड 1 बिलियन होता है जी 100 करोड़ के बराबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवे हैज बीन एलोकेटेड विद RS हाउ मच करोड़ इन द एंटरिम बजट 2019-20, ठीक है, अब रेलवे के लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया गया इस बजट में, ये आपको बताना है, तो रेलवे के लिए हुआ जी 64,587 करोड़ रुपए। ओके, एंड डिफेंस के लिए हुआ 3,52,596, ठीक है, 3,52,296 करोड़ हुआ जी फॉर डिफेंस, एंड 1,330 करोड़ फॉर द मिशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए इसे सैंक्शन किया गया, ठीक है, एक वीडियो जरूर संडे को आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा इन सिंपल वर्ड्स की अबाउट बजट एंड पूरी चीज़ें जो सारी चीज़ें इस बजट में हमारे लिए आई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा, एंड जो कल क्वेश्चंस आपसे पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, सबसे पहले उनके आंसर्स, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे आई है जी असम में, देन हेमिस कहाँ पे आया है J&K में हमारी, बनरगट्टा आई है जी कर्नाटका में, देन उसके बाद जी हमारा नामेरी कहाँ पे, ये असम में, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में, एंड दिब्रू शेखुआ नेशनल पार्क है जी
आसाम में, ठीक है। काफी अच्छे में स्टूडेंट्स ने आंसर्स किए हुए इनके। देन अब जो आज के लिए क्वेश्चंस हैं, आज हैं जी बायोस्फीयर के क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये पांच आपने मुझे बताने, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे ये बताना है, नो क्रैक कहाँ पे है ये बताओ, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पे है, सुंदरबन बताओ कहाँ पे है, एंड गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर कहाँ पे, इन पांचों के बताओ, ठीक है। इसी तरह हम टॉपिक वाइज करेंगे। अभी देखो अब पांच लिए, कल के वीडियो में जो रिमेनिंग रहेंगे हम इसी हिसाब से हमारा स्टैटिक पोर्शन भी कुछ हद तक मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे। आप भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि आपको किस टॉपिक पे एट द एंड एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, तो हम उसी टॉपिक को पकड़ेंगे एंड उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूज आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ हमारा करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जीके भी साथ साथ कवर होता रहेगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।